Good morning, dear students. This is the history book of class 10th, and we were discussing the first chapter of this book, which is the rise of nationalism in Europe. We had already discussed about the new conservatism policy. Now we will discuss about the revolutionaries of the European society. During the years following 1815, the fear of repression drove many liberal nationalists underground. जो 1815 के बाद जितने साल थे, जो फियर था रिप्रेशन का, बहुत से लिबरल नेशनलिस्ट थे, उनको उस फियर की वजह से दे हैव टू हाइड. सीक्रेट सोसाइटीज स्प्रैंग अप इन मेनी यूरोपियन स्टेट्स टू ट्रेन रिवॉल्यूशनरीज. बहुत सी सीक्रेट सोसाइटीज़ स्प्रैंग अप हुई रिवॉल्यूशनरीज को ट्रेन करने के लिए यूरोपियन स्टेट्स में, एंड स्प्रेड दियर आइडियाज़. और उन्होंने अपने आइडियाज़ को क्या किया, दे हैड स्प्रेडेड इट. टू बी रिवॉल्यूशनरी एट दिस टाइम, इस समय रिवॉल्यूशनरी होने का मतलब क्या था, अ कमिटमेंट टू अपोज मोनार्कियल फॉर्म्स. इट वॉज अ कमिटमेंट दैट वी, if you are a revolutionary, it means that you are opposing, you are committing to oppose the monarchical forms that had been established after the Vienna Congress, and to fight for liberty and freedom. And you are doing these things for your liberty and for your freedom. Most of these revolutionaries also saw the creation of nation states as necessary पार्ट ऑफ स्ट्रगल फॉर फ्रीडम. एंड जितने भी रिवॉल्यूशनरीज थे, ज़्यादातर लोगों ने, उन्होंने क्या देखा, दे हैड सीन दैट दे'ल क्रिएट अ नेशन स्टेट एंड दैट विल बी नेसेसरी पार्ट ऑफ द स्ट्रगल फॉर फ्रीडम. वन सच इंडिविजुअल वॉज द इटालियन रिवॉल्यूशनरी ग्यूसेप्पे मज़ीनी. एंड सबसे इसी में से एक जो रिवॉल्यूशनरी थे, इटालियन रिवॉल्यूशनरी थे, वॉज ही ग्यूसेप्पे मज़ीनी. बॉर्न इन जिनोवा इन 1807, उनका जन्म 1807 में जिनोवा में हुआ था. ही बिकेम अ मेंबर ऑफ द सीक्रेट सोसाइटी ऑफ द कार्बनरी. और उन्होंने कार्बनरी के सीक्रेट सोसाइटी के वो मेंबर बनाए गए. As a young man of 24, उनकी एज जब 24 थी, एंड ही वॉज यंग, ही वॉज सेंट इन टू एग्जाइल इन 1831 फॉर अटेम्प्टिंग अ रेवोल्यूशन इन लिगूरिया. एट द एज ऑफ 21 ही हैड स्टार्टेड अ रेवोल्यूशन इन लिगूरिया, एंड फॉर दैट अटेम्प्ट ही हैड बीन सेंट इन टू द एग्जाइल. एग्जाइल मीन्स इन टू द प्रिजन. ही सब्सिक्वेंटली फाउंडेड टू मोर अंडरग्राउंड सोसाइटीज़. उन्होंने दो और अंडरग्राउंड सोसाइटीज़ फॉर्म की. फर्स्ट वन वॉज यंग इटैली इन मर्सेल्स. पहला था यंग इटैली ऑफ मर्सेल्स, एंड देन यंग यूरोप इन बर्नी, एंड दूसरा यंग यूरोप इन बर्नी. एंड हिज मोटो वॉज दैट ही हैड टू प्रिपेयर द ग्रुप ऑफ यंग रिवॉल्यूशनरीज हुज मेम्बर्स वर लाइक माइंडेड यंग मैन फ्रॉम पोलैंड. जो मेम्बर्स कहाँ होते थे, माइंडेड यंग मैन होते थे, कहाँ से, पोलैंड, फ्रांस, इटली एंड द जर्मन स्टेट्स से होते थे. मज़ीनी बिलीव दैट गॉड हैड इंटेंडेड नेशंस टू बी द नेचुरल यूनिट्स ऑफ मैनकाइंड. मज़ीनी को ऐसा विश्वास होता था कि गॉड ने नेशंस को इंटेंड किया है, किस लिए, मैनकाइंड नेचुरली एक मैनकाइंड का यूनिट होने के लिए. सो इटली कुड नॉट कंटिन्यू टू बी अ पैच वर्क ऑफ स्मॉल स्टेट एंड किंगडम. इसलिए इटली एक पैच वर्क बन के नहीं रहेगा छोटे स्टेट्स और किंगडम का. इट हैड टू बी फोर्ज्ड इनटू अ सिंगल यूनिफाइड रिपब्लिक. और ये एक सिंगल यूनिफाइड रिपब्लिक होगा विद इन अ वाइडर अलायंस ऑफ नेशंस, और एक नेशंस का बहुत बड़ा अलायंस होगा. दिस यूनिफिकेशन also could be the basis of Italian liberty. और ये unification Italian liberty का basis भी होगा. Following his model, उनका model को follow करते हुए, secret societies were set up in Germany, France, Switzerland and Poland. Germany, France, Switzerland और Poland में भी secret societies
का फॉर्मेशन हुआ, दे हैड फॉर्म्ड इट. मज़ीनीज रिलेंटलेस अपोजिशन टू मनार्की एंड हिज विज़न ऑफ डेमोक्रेटिक रिपब्लिक्स फ्राइटेंड द कंजर्वेटिव्स. और जो मज़ीनी का रिलेंटलेस अपोजिशन था मनार्की के लिए, ही वॉज अपोजिंग द मनार्कियल गवर्नमेंट एंड हिज विज़न वॉज दैट ही वॉन्ट अ डेमोक्रेटिक रिपब्लिक कंट्री एंड ही फ्राइटेंड द कंजर्वेटिव. मैटर्निक डिस्क्राइब्ड हिम एज द मोस्ट डेंजरस एनिमी ऑफ आवर सोशल ऑर्डर. मैटर्निक ने उनको डिस्क्राइब किया कि सबसे डेंजर एनिमी ऑफ सोशल ऑर्डर कौन था, गिउसेप्पे मज़ीनी. नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज़ द एज ऑफ रिवोल्यूशन 1830 to 1848. मीन्स फॉर 18 to 19 ईयर्स इट वॉज द एज ऑफ रिवोल्यूशंस. नाउ वील डिस्कस दिस टॉपिक. As conservatives of regimes tried to consolidate their power, जितने conservatives regimes थे वो अपनी power consolidate करना चाहते थे. Liberalism and nationalism came to increasingly associated with revolution in many regions of Europe. Liberalism और nationalism बहुत तेज़ी से associate हो रहा था, बढ़ रहा था, revolutions से relate कर रहा था यूरोप में. सच एज इटालियन एंड जर्मन स्टेट्स, इटालियन और जर्मन स्टेट्स यूनिफाइड हो चुके थे. प्रोविंसेस ऑफ ओटोमन एम्पायर, आयरलैंड एंड पोलैंड, दे हैव ऑलरेडी यूनिफाइड. दीज रिवोल्यूशंस वर लेड बाय द लिबरल नेशनलिस्ट बिलोंगिंग टू द एडुकेटेड मिडिल क्लास एलाइट, एमंग हुम वर प्रोफेसर्स, स्कूल टीचर्स, क्लर्क एंड मेम्बर्स ऑफ द कॉमर्शियल मिडिल क्लासेस. एंड उनमें कौन कौन था, वो लिबरल नेशनलिस्ट जो थे वो बिलोंग करते थे मिडिल क्लास थे, से एजुकेटेड थे, प्रोफेसर्स, स्कूल टीचर्स होते थे, क्लर्क्स होते थे और कॉमर्शियल मिडिल क्लास के मेंबर्स होते थे. द फर्स्ट अपहीवल टुक प्लेस इन फ्रांस इन जुलाई 1830 में पहला अपहीवल, पहला रिवॉल्यूशन हुआ था. बर्बन kings who had been restored to power during the conservative reaction after 1815, जो बर्बन किंग्स थे जिनको फिर से पावर दी गई थी, उन्होंने 1815 के बाद जो रिएक्शन कंजर्वेटिव रिएक्शन था, वन नाउ ओवर थ्रोन बाई लिबरल रिवोल्यूशनरीज. अब वो लिबरल रिवोल्यूशनरीज ने उनको ओवर थ्रो कर दिया था. हु इंस्टॉल्ड अ कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की, जिनके पास एक कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की थी विथ लुइस फिलिप एट इट्स हेड. और लुइस फिलिप उसके हेड थे. व्हेन फ्रांस स्नीजेस, जब यहाँ इसका मतलब है फ्रांस कुछ भी करता था. स्नीजेस का मतलब तो होता छींकना, बट यहाँ इसको idiom यूज़ किया गया है फ्रीज. सो जब फ्रांस कुछ भी करता था, मैटर्निक वंस रिमार्क, मैटर्निक ने रिमार्क किया था, द रेस्ट ऑफ यूरोप कैच अ कोल्ड, जो पूरा यूरोप था उनको क्या हो जाती थी, सर्दी हो जाती थी. मींस पूरे यूरोप में कुछ ना कुछ होता था. द जुलाई रिवॉल्यूशन स्पार्क्ड, जुलाई का रिवॉल्यूशन में स्पार्किंग आई एंड अपराइजिंग इन ब्रसल्स विच लेड टू बेल्जियम ब्रेकिंग अवे फ्रॉम द यूनाइटेड किंगडम ऑफ नीदरलैंड्स. और जुलाई रिवॉल्यूशन में अपराइजिंग हुई ब्रसल्स की वजह से, बेल्जियम ब्रेक अवे हुआ यूनाइटेड किंगडम ऑफ नीदरलैंड से. An event that mobilized nationalist feeling among the educated elite across Europe was Greek War of Independence. जो event nationalist feeling को educated elite के बीच में mobilize किया वो था Greek War of Independence. Greece had been part of Ottoman Empire. Ottoman Empire का part था Greek since the 15th century तक. A growth of revolutionary nationalism in Europe sparked off. रिवॉल्यूशनरी नेशनलिज्म स्पार्क्ड ऑफ हुआ, उसकी चमक थोड़ा सा कम हुई. ऑफ स्ट्रगल फॉर इंडिपेंडेंस अमंग द ग्रीक्स, जो स्ट्रगल इंडिपेंडेंस का हुआ ग्रीक्स के बीच में, विच बिगैन इन 1821, जो 1821 में स्टार्ट हुआ. नेशनलिस्ट इन ग्रीक गॉट सपोर्ट फ्रॉम अदर ग्रीक, जो नेशनलिस्ट थे ग्रीक में वो दूसरे ग्रीक से उनको सपोर्ट मिला जो एग्जाइल में रह रहे थे. और वेस्ट यूरोपियंस थे जिन्होंने सिंपैथी फॉर एंशियंट ग्रीक कल्चर, उनके लिए सिंपैथी थी उनके पास. पोइट्स एंड आर्टिस्ट लॉडेड ग्रीक्स, पोइट्स और आर्टिस्ट ने तारीफ़ की एज अ क्रेडल ऑफ यूरोपियन सिविलाइजेशन.
and mobilized public opinion to support its struggle against a Muslim empire. जो मोबिलाइज होता था, मोबिलाइज किया था सिविलाइजेशन, और मोबिलाइजेशन जो पब्लिक ओपिनियन का था वो एक मुस्लिम एम्पायर के अगेंस्ट था. द इंग्लिश पोइट लॉर्ड बायरन ऑर्गेनाइज फंड्स इंग्लिश पोइट लॉर्ड बायरन ने फंड्स ऑर्गेनाइज किए एंड लेटर वेंट टू फाइट इन द वॉर, और उसके बाद वॉर में फाइट करने गए. वेयर ही डाइड ऑफ फीवर, फीवर की वजह से उनकी मृत्यु हो गई 1824 में. फाइनली द ट्रीटी ऑफ कॉन्स्टेंटिनोपल, जो ट्रीटी ऑफ कॉन्स्टेंटिनोपल ऑफ 1832 थी, वो रिकॉग्नाइज की गई ग्रीस में एज एन इंडिपेंडेंट नेशन, और ग्रीक को एक इंडिपेंडेंट नेशन माना गया. सो दैट्स इनफ फॉर टुडेज क्लास. विल डिस्कस द नेक्स्ट टॉपिक, द रोमांटिक इमेजिनेशन एंड द नेशनल फीलिंग, इन द अपकमिंग क्लासेस. टिल देन गुड बाय, टेक केयर, स्टे होम, स्टे सेफ एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल.